मुंबई को आखिर सपनों की नगरी क्यों कहा जाता है और क्यों कोई मुंबई में आता है तो तरक्की उसके कदम चूमने लगती है। आखिर ये मुंबई नाम आया कहां से? गाइस, ऐसा कहा जाता है कि एक बार मुंब नाम के एक राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे ना तो कोई देव, ना कोई दानव और ना ही कोई गंधर्व मार सकता है। इस वरदान के बाद उस राक्षस ने हाहाकार मचा दिया। तब सभी देव भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए, जिसके बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी ने मिलकर एक नारी शक्ति का निर्माण किया जिसका नाम था अंबा देवी। और अंबा देवी ने मुंब राक्षस को हरा कर उसे हमेशा हमेशा के लिए पाताल लोक भेज दिया। लेकिन जाते जाते उसने मां से एक क्षमा मांगी, जिसके बाद अंबा देवी ने उस राक्षस से कहा कि मैं हमेशा के लिए अब यहीं रहूंगी, जिसे लोग मुंबा देवी के नाम से जानेंगे। जिसके बाद इस शहर के नाम को मां का मराठी शब्द आई से जोड़कर मुंबई रख दिया गया। इसीलिए जो कोई भी इस शहर में आता है वो तरक्की जरूर पाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जब भी हम कभी बाहर ट्रेवल करने जाते हैं ना, तो हमें अपना बैग कपड़ों से भर के ले जाना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर अब आपको कपड़े से भरा बैग ले जाने की जरूरत नहीं है। कौन सा है वो देश और वहां पर बिना कपड़ों के काम कैसे चलेगा? गाइस, उस देश का नाम है जापान, जहां पर अब आपको कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं। दरअसल जापान की एक एयरलाइंस ने सुमितोमो कॉर्प नाम की कंपनी के साथ एनीवेयर एनीवेयर नाम की एक स्कीम निकाली है, जिसके तहत यात्रियों को अपने साथ कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो पहले से ही ऑनलाइन अपनी पसंद के कपड़े किराए पर ले सकते हैं जो उन्हें जापान में जाने के बाद मिल जाएंगे। और इसका खर्चा लगभग 2 से 4 हजार रुपए ही आएगा। अब ऐसा इसलिए किया गया क्यों कि इससे एयरलाइन का फ्यूल बचेगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि एयरलाइन में जितना ज्यादा भार होता है फ्यूल उतना ही ज्यादा खर्च होता है। और इससे जापान के लोकल लोगों को इकोनॉमिकल फायदा भी होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी ऐसी स्कीम लानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर एक सुई जमीन पर गिरे तो क्या होगा? आप कहेंगे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वही सुई प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से धरती से टकराएगी तो क्या होगा? आपको पता है, भूचाल आ जाएगा। कैसे? चलिए जानते हैं। गाइस, मान लीजिए कि 1 ग्राम वजन वाली एक सुई लाइट की स्पीड यानी कि प्रकाश की गति से पृथ्वी को टकराती है, तो टकराते समय उस सुई की काइनेटिक एनर्जी दुनिया के सबसे बड़े एटॉमिक बॉम्ब टीजार के फटने से पैदा होने वाली एनर्जी से 3 गुना ज्यादा होगी। और इस सुई का असर एक बड़े एटम बॉम्ब से भी ज्यादा होगा। यही नहीं, इस सुई के टकराने से धरती पर भूकंप और सुनामी तक आ जाएगी। साथ ही इससे धरती का एक बड़ा हिस्सा आग के गोले में बदल जाएगा। गाइस, कितना अविश्वसनीय है कि एक सुई दुनिया का विनाश कर सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? प्रकाश की गति। आपको क्या इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगली वीडियो में।